Bismillahirrahmanirrahim and assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपना रिव्यू 2, यानी कि अब तक हमने जो 6 चैप्टर्स पढ़े हैं, अब हम देखेंगे उन 6 चैप्टर्स की रिवीजन. तो आइए चलते हैं रिव्यू की तरफ. जी, जैसे कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 63 पे, पहला हमारे पास जो हेडिंग आ रही है वो है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स. से द गिवन वर्ड्स विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, राइट 3 and 4 सिलेबल वर्ड्स सेपरेटली. ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो हैं एपोस्ट्रोफी, सेंटेंसेस, एलिगेंटली, अंडरलाइन, राइनोसॉरस, वेजिटेबल, फोटोग्राफर एंड पावरफुल. अब हमने इसमें देखने हैं जो 3 सिलेबल वर्ड्स हैं वो अलग करने हैं और जो 4 सिलेबल वर्ड्स हैं वो अलग. हमारा फर्स्ट वर्ड है एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी, ठीक है. अब आप इसको देखिएगा ये कितने सिलेबल वर्ड है. ये बेसिकली हमारा 4 सिलेबल वर्ड है. कैसे, अब हम इसकी डिवीजन देखेंगे. एपोस्ट्रोफी. अगला हमारे पास वर्ड है सेंटेंसेस. ये हमारे पास 3 सिलेबल वर्ड है. कैसे, सेंटेंसेस. नेक्स्ट हमारे पास है एलिगेंटली. एलिगेंटली भी हमारे पास जो है ये 4 सिलेबल है. एलिगेंटली. नेक्स्ट हमारे पास है अंडरलाइन. अंडरलाइन इज बेसिकली अ 3 सिलेबल वर्ड. कैसे, अंडरलाइन. नेक्स्ट हमारे पास है राइनोसॉरस. राइनोसॉरस हमारे पास 4 सिलेबल वर्ड है. राइनोसॉरस. नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेबल. वेजिटेबल हमारे पास अगेन 4 सिलेबल वर्ड है. कैसे, वेजिटेबल. नेक्स्ट हमारे पास है फोटोग्राफर. फोटोग्राफर अगेन हमारे पास 4 सिलेबल वर्ड है. कैसे, फोटोग्राफ. नेक्स्ट हमारे पास है पावरफुल. ये हमारे पास 3 सिलेबल वर्ड है. हाउ, पावरफुल. अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अरेंज अ रोल प्ले एक्टिविटी इन अ क्लास एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टॉक अबाउट देयर लाइक्स अबाउट फूड आइटम्स. यहाँ पर आपने एक क्लास की एक रोल प्ले एक्टिविटी करनी है, यानी कि यहाँ पर आपने क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स लेने हैं. वो आपको एक डायलॉग परफॉर्म करेंगे और अपने खाने की चीज़ों की पसंद और नापसंद के बारे में बताएंगे. अब चलते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की तरफ. जी, पहला हमारे पास क्वेश्चन है टेल 2 बेनिफिट ऑफ ट्रीज. Trees give us oxygen to breathe. Trees give us food and fresh air. ठीक है जी, आगे हमारे पास है tell 3 names of plants. नीम, ताली एंड सफ़ेदा. How do you help your father and mother in their daily work? I help my father and mother in many of their daily work, like I help my mother to clean house and in kitchen work. I also help my father in watering plants and washing car. Who was Arfa Kareem and what was her specialty? Arfa Kareem is the pride of Pakistan. She was the youngest Microsoft certified professional in the world. She was specialist of IT. Did Arfa Kareem get pride of performance? Yes. Arfa Kareem got pride of performance award. जी, अब आप देख सकते हैं पेज नंबर 64 पे अगला क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेसेस. जो हमारे पास हमारे फर्स्ट पिक्चर नज़र आ रही है ये किचन की है और जो अगली हमारे पास है वो बेडरूम की है. अब चलते हैं पेज 64 के ऊपर फॉर्मल एंड लैक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में. जी, पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट वर्ड शोइंग पोजीशन. अब तस्वीर को देखते हुए आपने पोजीशन बतानी है. ठीक है जी, द बर्ड इज ऑन द रूफ, द चाइल्ड इज नियर द हाउस, द फ्लावर्स आर इन फ्रंट ऑफ द डोर, द क्लाउड्स आर अबव द हाउस, द विंडो इज बिसाइड द हाउस. जी, अब क्वेश्चन नंबर अगला बी है राइट 3 मोर राइमिंग वर्ड्स टू मेक अ राइमिंग स्ट्रिंग. कैट से अब हमने राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं. मैट, फैट, रैट, पेन से, हैन, टेन, मैन, डॉग, लॉग, फॉग, जॉग. अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है राइटिंग स्किल्स का. राइट नंबर इन वर्ड्स फ्रॉम 90 to 100. अब आपने यहाँ पे नंबर वर्ड्स लिखने हैं. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and 100. जी, डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन. आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा. एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.